आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में जो फ्लेग लीफ निकलती है इसको बोला जाता है फ्लेग लीफ, और फ्लेग लीफ के जस्ट बाद में आपके गेहूं की फसल में बाली निकलती है। ये हुआ आपका फ्लेग लीफ, जिसको कि झंडा पत्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपके टॉप पर रहती है गेहूँ में, इसलिए इसको झंडा पत्ती भी कहा जाता है। और इसमें यहाँ के जस्ट बाद में आप में इसमें बालियाँ निकलती हैं। तो ये जो बाली है इसका साइज हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम गेहूं की फसल की जो बाली है इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और गेहूं का जो प्रोडक्शन है ये इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, गेहूं दो प्रकार के होते हैं, पहला तो अर्ली मैच्योरिटी वाला और दूसरा लेट मैच्योरिटी वाला। तो आपने कौन सा गेहूँ लगा कर रखा है पहले तो ये डिसाइड करें। अगर इस वेराइटी की बात करें तो ये GW513 गेहूँ है जो कि अर्ली मैच्योरिटी में आता है। अब देखिए, जो अर्ली मैच्योरिटी वाला गेहूँ है ये लगभग 120 दिनों से पहले पककर तैयार हो जाएगा, और जो लेट मैच्योरिटी वाला गेहूँ है ये 130 से लेकर 140 दिनों की अवस्था में पककर तैयार होगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी फसल में फ्लेग लीफ कब निकलती है। तो जब आपकी फ्लेग लीफ निकलती है इसके जस्ट बाद ही आपको आपकी बालियाँ गेहूँ में नहीं निकलना चाहिए, आपकी जब फ्लेग लीफ निकलती है तभी आपको इस्तेमाल करना है। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें लगभग 4 से 5 चीज़ें हमने ऐड की हैं, जिसमें कि हमने इंसेक्टिसाइड को लिया है, जिसमें हमने फंगिसाइड को लिया है, जिसमें हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट को लिया है, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉनिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आपकी फसल का जो एवरेज है इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको इमाबेक्टिन बेंजोट लेना है। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इमाबेक्टिन बेंजोट के साथ में आपको क्लोरो लेना है, या फिर आपको ऑप्शन में आपको मिलता है इमाबेक्टिन के साथ में थायोमेथॉक्साम, या फिर आप इमाबेक्टिन के साथ में इमिडाक्लोरपेट को ले सकते हैं। तो इन तीनों में से आपको सिर्फ इमाबेक्टिन के साथ में एक ही प्रोडक्ट को लेना है। इसके बाद अगर फंगिसाइड की बात करें तो आपकी फसल में अगर दो बार आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट स्प्रे है इसमें आपको कुमानेल लेना है, क्योंकि कुमानेल क्या करता है कि आपकी फसल को जिंक न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड कराता ही है, उसके साथ में फंगस को भी कंट्रोल करता है। अगर आपकी फसल पर सिर्फ एक ही बार फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबिकोनोजाल के साथ एजेफ्ट्रोबिन का साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टेबिकोनोजाल सिंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको क्या है कि या तो 12:61 लेना है या फिर आपको 13:40:13 लेना है। अगर इनकी मात्रा की बात करें तो इनका क्या है कि जब भी ओवरडोसिंग होती है तब आपकी गेहूं की फसल या फिर कोई सी फसल हो ये ख़राब होने लगती है। तो इसका ओवरडोसिंग ना हो इसके लिए आपको क्या है कि 12:61 का जो इस्तेमाल है ये 1 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से करना है, जो कि आपको चिलेटेड मात्रा में ही लेना है। चिलेटेड के अलावा आप दूसरा कोई सा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ना लें। इसके बाद अगर 13:40:13 की बात करें तो इसको भी आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से 1 kg लेना है, जो कि चिलेटेड मात्रा में लेना है, क्योंकि जो चिलेटेड है इसका कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हो तो इसमें फटने की या फिर कोई भी नुकसान होने की समस्या नहीं रहती है। इसके साथ में आपको क्या है कि अगर टॉनिक की बात करें तो इसमें आपको गोदरेज डबल का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि पाया जाता है होमोब्रोसिनोलाइड। होमोब्रोसिनोलाइड आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोदरेज डबल का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ में गोदरेज डबल का थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसमें अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन से चार चीज़ें जो कि मैंने आप सभी को बताई है, फंगिसाइड हो गया, उसके साथ में इंसेक्टिसाइड हो गया, उसके साथ में आपकी टॉनिक भी हो गई, इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में एवरेज बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी किसानों का क्वेश्चन आया था कि हम क्या जिब्रेलिक एसिड का भी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जिब्रेलिक एसिड का अगर गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ही जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा आपकी गेहूँ की फसल हो तो इसमें आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर आपकी फ्लेग लीफ निकली है और आपकी बाली निकलने वाली है, आपका अगर गेहूं अधिकतर मात्रा में इस प्रकार से है तो ही आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप जिब्रेलिक एसिड को अवॉइड करें। तो मैं तो आप सभी को यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप जिब्रेलिक एसिड का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपकी फसल बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, बेहतर तरीके से आपको प्रोडक्शन देगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एंड तक आए हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।